नमस्कार आदाब काल गुड मॉर्निंग एवरीवन मैं हूं कपिल काटपाल स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज ऑफ द हिंदू एंड दिस इज फिफ्थ ऑफ जुलाई 2022 विद मी पांच जुलाई 2022 की खबरों के विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है उम्मीद करता हूं आप मुझे डेली फॉलो कर रहे हैं इसी चैनल पर इसी वक्त आपके डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की क्लास में लेकर आता हूँ बस इसी तरह से जुड़े रहिए बने रहिए और अच्छे से रिवीजन करते रहिए अपनी करंट अफेयर्स का क्योंकि रिवीजन ही है जो करंट अफेयर्स को आपको लंबे समय तक रिटेन करवा सकती है और आपके मार्क्स जो हैं बहुत अच्छे से स्कोर भी हो जाएगा कंटेंट अगर आप फॉलो कर रहे हैं उस पर बिलीव रखिए जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं आगे आपकी मेहनत है आगे आपकी रिवीजन करने का तरीका है चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को एंड uh, सबसे पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं वो एट द रेट के सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे जहाँ पर आपको मेरी क्लास की पी और मेरी सारी क्लासेस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे इसी क्लास के एक एम होते हैं रात को दस बजे जो कि एनअकेडमी की फ्री क्लास होती है जिसका लिंक भी इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको दिया जाएगा तो रात को क्विज ज़रूर साथ ही साथ अटेंड किया कीजिए जो भी वहाँ पर आप क्विज देखते हैं उनको आपको देखना है अपने अच्छे से तैयारी करनी है क्योंकि आप जब तक क्विज नहीं अटेंड करोगे तब तक आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं हो पाती आपको ऑब्वियस अपने आप को टेस्ट डेली बेसिस पर करना ही पड़ेगा अगर आप डेली बेस पर कुछ प्रैक्टिस क्विजेस चाहते हैं डेली बेस पर आपको क्वेश्चन चाहिए टारगेट चाहिए टू डू डूलिस्ट चाहिए और आपको उसके लिए इधर उधर जाना पड़ता है तो एक ही जगह पर हर एक सब्जेक्ट के तकरीबन 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रिलिम्स और मेन्स लेवल के इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एप पर भी वेबसाइट पर दोनों जगह पर आपके लिए अवेलेबल करवाते हैं हम लोग और उस सीरीज का नाम हमने नोटबुक सीरीज दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है आप जाकर इसको देख सकते हैं एक बार डे वाइज प्लान वहां पर अवेलेबल है डेली बेसिस पर आपको पजल्स डी और मिसकिलियस क्वेश्चन इंग्लिश के आरसीज ऑडिटोरियल जीके के क्विज जीके की पीडीएफ हर एक चीज वहां पर आपको अवेलेबल करा दी जाती है अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी मॉक टेस्ट भी है अगर आप मोकटेस्ट परचेज करना चाहें फोर नाइन्टी फाइव रुपीज में पूरे साल का मोकटेस्ट मिलता है इस साल के और पिछले दो साल के भी इंक्लूडिंग सेक्शनल मोक टेस्ट एंड मिनी मोक टेस्ट ये सब वहां पर अपडेटेड है आपके लिए जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं उसका मोक टेस्ट आपको इसी प्राइस में मिल जाएगा अगले एक साल के लिए आपकी वैलिडिटी रहती है पहली न्यूज यहां पर आई है बोश इंडिया बोश इंडिया एक कंपनी है जो कि बेसिकली जर्मनी की कंपनी थी इस जर्मनी की कंपनी को अब यहां पर इंडिया में आए हुए 100 साल हो चुके हैं और अब ये मान के चलिए जर्मन कंपनी तो अब क्या रही है अब ये एक इंडियन कंपनी टाइप ही हो गया है लेकिन बेसिकली ये जर्मन कंपनी ही है सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल ही में इसका एक स्मार्ट कैंपस यहां पर इनग्रेट किया बोश इंडिया का एक सप्लायर है टेक्नोलॉजी और सर्विसेज का बेंगलुरु में इसका मेन ऑफिस है यहां पर ये किया गया है स्मार्ट कैंपस बोश ने यहां पर तकरीबन 800 करोड़ का यहां पर इन्वेस्टमेंट में सकते हैं इंडिया में एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन बोश का स्मार्ट कैंपस यहां पर हाल ही में कौन सी जगह पर शुरुआत की गई है कौन सी जगह पर इसका इनाग्रेशन किया गया है राइट आंसर बेंगलुरु रहेगा ठीक है इसके अलावा बोश को कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको हाल ही में तकरीबन 100 साल हो चुके हैं इंडिया में दैट इज दोश कंपनी है बोश इंडिया इसको हो चुके हैं और ये 800 करोड़ की एक्सपेंडिचर के साथ इसको बनाया गया है सो दीज आर फ्यू क्वेश्चन बोश इंडिया स्मार्ट कैंपस ओपन बाय द एम मोदी इन बेंगलुरु अगली न्यूज पे चलते हैं ये बोश इंडिया का स्टैटिक फैक्ट है हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है और सुमिता भोट्टाचार्य इसकी एमडी एंड प्रेसिडेंट है हिमाचल प्रदेश ने यहां पर लॉन्च किया है एक नई स्कीम जिस स्कीम का नाम है नारी को नमन स्कीम नारी को नमन स्कीम ये लॉन्च की गई है जिसके तहत 50 परसेंट कंसेशन दिया जाएगा हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बसेस में अगर महिला कोई भी ट्रैवल करती है हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बसेज में तो उसका जो किराया है वो पचास ही लगेगा उससे ज्यादा नहीं लगेगा ऐसा एक प्रावधान यहां पर दिया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा एक स्कीम है जिसका नाम है नारी को नमन स्कीम तो एग्जाम पॉइंट से पहला क्वेश्चन नारी को नमन स्कीम कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं हिमाचल प्रदेश नारी को नमन स्कीम किससे संबंधित है आपका जो रोड ट्रांसपोर्ट है जो आपके बसेस ट्रेवल है उसमें 50 परसेंट की छूट यहां पर दी जाएगी स्कीम लॉन्च की गई गवर्नमेंट कॉलेज ऑडिटोरियम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसको लॉन्चिंग किया गया मिनिमम बस फेयर भी यहाँ पर कम किया गया है सात रुपए से पांच रुपए पहले सात रुपए मिनिमम बस फेयर था अब वो पांच रुपए कर दिया गया सभी सभी पैसेंजर्स के लिए गवर्नमेंट ने इसके अलावा पच्चीस नई पोस्ट भी यहां पर डिजाइन की है फॉर द फीमेल ड्राइवर्स इन राइड विद प्राइड गवर्नमेंट ओके सो राइड विद प्राइड गवर्नमेंट स्कीम के तहत यहां पर पच्चीस ऐसी महिला ड्राइवर्स की पोस्ट भी यहां पर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपकी साइन की गई है सो so, यहां पर और क्वेश्चन क्या बनेगा पहला क्वेश्चन तो मैंने बताया नारी को सम्मान और इसी में से दूसरा क्वेश्चन यहां पर दोनों क्वेश्चन बन रहे हैं ठीक है अगला क्वेश्चन हाल ही में क्या रिडक्शन किया गया है सात से पांच रुपए किया गया ये रिडक्शन किया गया और हाल ही में राइड विद प्राइड गवर्नमेंट स्कीम के तहत यहां पर कौन सा स्टेट ने वहां की महिलाओं के लिए पच्चीस ऐसी ड्राइवर्स की सीट्स को आरक्षित किया है वो हिमाचल प्रदेश या फिर ये पूछ सकते हैं प्राइड ब्राइड विद प्राइड गवर्नमेंट के तहत क्या किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ये तो चौथा और पांचवा क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है और इस क्वेश्चन इस न्यूज में से आपका ओड वन आउट का क्वेश्चन भी बन सकता है नारी का सम्मान स्कीम क्या है कौन से स्टेट से बिलोंग करती है मतलब नारी के सम्मान स्कीम इनमें से कौन सा कथन सत्या नहीं है दैट इज दी एक दे, दे देंगे कि इट बिलोंग्स टू दी हरियाणा है ना इट बिलोंग्स टू हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर तो इस तरह का स्टेटमेंट दूसरा यहाँ पर फिफ्टी का सेशन आ जाएगा तीसरा आपका कुछ और है या फिर दो ही स्टेटमेंट आ जाएंगे ए बोथ वन एंड टू या नन नवता इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट तीन या चार आए कई बार दो ही स्टेटमेंट आते हैं उस उसमें से क्वेश्चन निकल जाता है चलो आगे चलते हैं आ, अगली न्यूज एक और प्रोजेक्ट सूर्या यहां पर देखने को मिला है ये प्रोजेक्ट सूर्या क्या है ये प्रोजेक्ट सूर्या है यहां पर रिन्यू पावर लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ जिसके तहत उन्होंने लॉन्च की है एक प्रोजेक्ट सूर्या को इस प्रोजेक्ट सूर्या के तहत यहां पर आपका जो महिलाएं हैं उनको यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी आपका वीमेन पैन वर्कर्स टू वर्क इन इंडस्ट्री तकरीबन हजार ऐसी महिलाएं जो कि काम कर रही हैं आपकी सॉल्ट पैन वर्कर्स यहां पर और इनको यहां पर रिन्यूएबल इंडस्ट्री में किस तरह से काम करना है उसकी यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि यहां पर जो लोग हैं पॉवर्टी जेंडर इक्वालिटी अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ ये सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए इन महिलाओं के लिए यहां पर शुरुआत की गई है प्रोजेक्ट सूर्या की सो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन सबसे पहले प्रोजेक्ट सूर्या किससे संबंधित है ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है यह है एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना उनको ट्रेनिंग देना आपका महिलाओं को और किस फील्ड में रिन्यूएबल इंडस्ट्री के फील्ड में यहां पर महिलाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना है इसके अलावा प्रोजेक्ट सूर्य यहां पर किसके बीच में टाइप है या आपका ये आपका टाइप है रिन्यू पावर लिमिटेड का पार्टनरशिप है यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम के साथ यहां पर रिन्यू पावर का यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम और साथ ही साथ सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन सब ने मिलकर सूर्य इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया सूर्य इंडिया प्रोग्राम मैंने बताया क्या है इसके अलावा इसमें कितने नंबर ऑफ महिलाओं को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी तकरीबन हजार महिलाओं को यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी और यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यहाँ पर टारगेट किया है टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दुनिया में जिनको दो जिनको 2030 तक यहां पर दुनिया ने कहा है कि हम लोग अचीव कर लेंगे ठीक है चलो आ, इस प्रोजेक्ट के तहत वीमेन सॉल्ट पैन वर्कर्स वर्क इन एक्सट्रीम कंडीशन एट द रन ऑफ कच विल बी ट्रेन अ सोलर पैनल एंड सोलर पंप टेक्नीशियन एट दी धोखावड़ा विलेज इन पाटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात ऐसी महिलाएं जो कि रन ऑफ कच्छ में जो सोल्ट है उसको उसके लिए काम करती हैं मतलब नमक निकालने के लिए काम करती हैं यहाँ पर उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी सोलर पैनल को किस तरह से काम करते हैं किस तरह से यहाँ पर उसको काम लिया जाता है किस तरह से वो सोलर पैनल के टेक्नीशियन के फॉर्म में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन बताई गई है धोखा विलेज डोकावड़ा या धोखावड़ा जो भी इसके प्रोनाउंसिएशन है पाटन डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है रिन्यू पावर लिमिटेड इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएगा रिन्यूएबल पावर फैसिलिटीज को वाइल द सेवा विल वर्क एज द लीड इंप्लीमेंटेशन पार्टनर यूनेप विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड ईवेल्यूटिंग दी प्रोजेक्ट के लिए तो ये आपका दूसरा पेज इसमें लोकेशन बताई गई है कि कहां की महिला को ट्रेनिंग दी जाएगी रन ऑफ कच्छ जो यहां पर है, ये मैं आ जाता हूं, यहां और गुजरात जो इस तरह से यहां पर मूव करता है बीच में इस तरह का एक प्लेस है और, के, और नीचे आपका मुंबई वगैरह आ जाता है तो ये जो जगह है एग्जैक्ट आपको बताऊं तो कुछ इस तरह से है ना तो ये जो एरिया है ये ऑफ कच्छ का एरिया है ठीक है यहां से पाकिस्तान बॉर्डर आपका लगता है और बिल्कुल कराची यहां से नज़दीक पड़ता है तो ये यहां पर आपका रन ऑफ कच्छ एरिया काफी फेमस है अमिताभ बच्चन जी भी ऐड करते हुए नजर आते हैं कि कभी आओ गुजरात में है ना गुजरात तो पधारो समथिंग जो भी डायलॉग है उनका तो रन ऑफ कच्छ वहां पर वाइट सैंड होती है वहां पर लोग वहां पर कैंप्स लगते हैं लोग जाते हैं वहां पर घूमने फेस्टिवल्स होते हैं तो काफ़ी फेमस एरिया और काफी एक्सट्रीम डेजर्ट एरिया है बेसिकली वो सारा का सारा तो वहां पर गर्मी काफी रहती है और ये यहां पर आपका सोलर पैनल और सोलर पंप टेक्नीशियंस के फॉर्म में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कहां पर ये पूछा जा सकता है कि कहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी कहां की महिलाओं को टारगेट किया गया और ये ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं न्यू पावर क्या प्रोवाइड न्यू पावर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा सेवा जो है वो इसको इंप्लीमेंट करेगा और यूनप जो है इसकी मॉनिटरिंग करेगा इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की ठीक है ओके okay. अगली न्यूज पे चलते हैं अच्छा पिक्चर नहीं है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने ज्वाइन किया है पीएम शक्ति पीएम गति शक्ति पोर्टल एंड अपलोडेड द जियो लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स विद द नेम ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ब्रिजिंग मिसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी गैप्स तो यहां पर आपका बेसिकली क्या किया गया है गति शक्ति पोर्टल गति शक्ति प्रोग्राम गति शक्ति पोर्टल एक ऐसा प्रोग्राम जिसके तहत यहां पर आपका पूरी इंडिया के यहां पर बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको आपस में लिंक करने की बात की गई है यानी कि एक प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली मान लीजिए कोई हाईवे बनाया जा रहा है तो उस हाईवे प्रोजेक्ट को कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है उन सभी मिनिस्ट्रीज को एक साथ लाना और उस हाईवे से कौन कौन सी मिनिस्ट्री को बेनिफिट हो सकता है उनको भी यहां पर इसके बारे में बताना या फिर इंडिया में जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है उनको आपस में जोड़ना उनको आपस में कनेक्ट करना उनकी मिनिस्ट्रीज को आपस में कनेक्ट करना ताकि किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो जो भी एक बार काम दिया जाए वो काम बिल्कुल सुचारू रूप से कंप्लीट हो जाए टाइमली कंप्लीट हो जाए ताकि ज्यादा आपकी जो परमिशन सिर्फ लेते हैं एक चीज की परमिशन उस चीज की परमिशन उसमें ज्यादा दिक्कत ना आए तो यही है पीएम गति शक्ति पोर्टल यहां पर पीएम गतिशक्ति प्रोग्राम जिसके तहत अब यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने हाँ ज्वाइन किया है इस पोर्टल को टू ब्रिज द इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी गैप ठीक है सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है अब और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने क्या बेसिकली किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इसमें अपने जो लोकेशन है जहां जहां पर स्टील प्लांट्स है उनकी लोकेशन यहां पर प्रोवाइड कराएगी दैट इज विल बी अपलोडिंग द जियो लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट विद एन एम ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ब्रिजिंग द मिसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी गैप कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अब ऑब्वियस है बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बनाए जाते हैं जहां पर आपका स्टील का इस्तेमाल किया जाता है स्टील की जरूरत जब तक आपको पता नहीं स्टील कहां से प्रोक्योर करना है कहां से लेना है तब तक आप अपना काम हो सकता रुका रहे

से देखी जा सके कहां पर स्टील प्लांट है कैसे हम स्टील वहां से प्रोक्यूर कर सकते हैं ले सकते हैं यह पूरा पूरा इस न्यूज का आपका एक सार है और इसको यहां पर जो अपलोड करने में मदद की है उनके डाटा को वो भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन है जियो इन्फॉर्मेटिव ऑब्वियस है जियो लोकेशन सही है एग्जैक्ट लोकेशन मेरी कहाँ पर है तो वो कोई ना कोई इसरो की एजेंसी या फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की जो एजेंसी है वही आपको बताएगा क्योंकि उन्हीं के पास सेटेलाइट होती है तो उन्हीं के द्वारा ये चीज आपकी बताई गई है ठीक है ओके सो so, ये आपका बिजक नाइन ये अलग से क्वेश्चन बिजक नाइन से संबंधित पूछा जा सकता है फुल फॉर्म पूछी जा सकती है बीजग नाइन की कि बिजक एन से आप क्या समझते हैं बिजक एन की फुल फॉर्म क्या है ठीक है तो ये उसके पॉइंट ऑफ से ध्यान से पढ़ लेना तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील 2000 स्टील प्लांट्स है ये भी पूछा जा सकता है और पीएम गति शक्ति क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है 2021 में इसको स्टार्ट किया था टू ब्रिंग डिफरेंट मिनिस्ट्रीज टुगेदर और फॉर इंटीग्रेटिंग प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट सभी के सभी प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर एक साथ शुरू कर एक साथ यहां पर इकट्ठा कर देना मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की यूनियन मिनिस्टर यहां पर अगली खबर है यहां पर आपकी एनएमसीजी दैट इज द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने एस्टेब्लिश किया है नमामि गंगे अमृत वाटिका एट द कालिंदी कुंज घाट ऑन द रिवर यमुना इन न्यू दिल्ली नई दिल्ली में यहां पर आपका गंगा नदी को क्लीन करने के लिए एक शुरुआत की गई है गंगा सॉरी गंगा नदी नहीं यमुना नदी को क्लीन करने के लिए यहां पर एक शुरुआत की गई है और ये शुरुआत की गई है यमुना के ऊपर यमुना नदी के कुंज घाट कालिंदी कुंज घाट यहां पर किया गया है और एक नवामी पिछहत्तर ट्रीज यहां पर इंस्टॉल किए गए आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जो कि दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा मिलकर किया गया है प्रोजेक्ट यमुना घाट पर वृक्षारोपण सर्व एज दी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्लांटेशन वर्क यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए नवामी गंगे प्रोग्राम के तहत यहां पर आपका इसको फंडिंग दी होगी ठीक है और नवामी गंगे प्रोग्राम जो कि एक स्टार्ट किया गया था जून 2014 में बीस 20 हजार करोड़ की आपकी लागत के साथ जिसके तहत यहाँ पर गंगा नदी के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाता है उसको क्लीन करने की कोशिश की कोशिश कंटिन्यू की रखी जा रही है और इसके लिए यहां पर इन्होंने क्लीनेंस ड्राइव रिवर यमुना पे भी यहां पर दिल्ली में एवरी फोर सैटरडे ऑफ ईच मंथ चलाया जाता है तो एग्जाम पढ़ने से हाँ क्वेश्चन हाँ यूटी में यमुना नदी के ऊपर ऊपर पिछहत्तर वर्ष उसके घाट के ऊपर पिछहत्तर वृक्ष सॉरी पिछहत्तर वृक्ष यहां पर आपके प्लांट किए गए हैं राइट आंसर उसका रहेगा न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली का आपका कालिंदी कुंज घाट है जहां पर यहां पर नवामी गंगे अमृत वाटिका एस्टेब्लिश की गई है और इस घाट पे पिछहत्तर ट्रीज पिछहतर ट्रीज ही क्यों लगाए क्योंकि हमारे देश को इस बार पिछहतर वर्ष हो चुके हैं आजादी को दैट इज आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं इसीलिए पिछहत्तर ट्रीज वहां पर आपके प्लांट किए गए हैं और इन पिछहत्तर ट्रीज को यहां पर नवामी गंगे प्रोग्राम के तहत किया गया है नवमी गंगे प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि रिवर गंगा के लिए दो में स्टार्ट किया गया था तकरीबन बीस करोड़ रुपए दिए गए थे जिसके तहत यहां पर गंगा नदी को यहां पर क्लीन करने के लिए कवायद जारी कर... वो आपकी कंटिन्यू रहती है ठीक है ठीक और इसके अलावा यहां पर इसी नवामी गंगे प्रोग्राम के तहत एवरी मंथ की सैटरडे को यमुना नदी को भी साफ करने की यहां पर जारी किया जाता है प्रयास किया जाता है और दिल्ली से यमुना नदी आपकी बहती है आप सबको मालूम होगा और ये है प्रोजेक्ट यमुना घाट पर वृक्षारोपण ठीक है ये मैंने आपको पढ़ा दिया अगली न्यूज पे चलते हैं तीन दिन का ग्रैंड हैकेथोन लॉन्च किया गया पीयूष गोयल जी के द्वारा ये थन बेसिकली क्या होता है एक प्रकार की एग्जीबिशन होती है या फिर एक कह लीजिए एक साइंटिफिक एग्जीबिशन होती है साइंस एग्जीबिशन होती है जहां पर लोग आते हैं अपने नए इनोवेशन अपने नए प्रोडक्ट्स को साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए शो करते हैं और उसको फिर यहां पर चुना जाता है फर्दर फंडिंग के लिए फर्दर एक्सपेंशन के लिए ऑब्वियस है कोई भी एक चीज आप बनाएंगे तो उस वो एक जस्ट एक्सपेरिमेंट बेसिस बनाएंगे फिर किसी को पसंद आएगी आपको इन्वेस्टमेंट देगा और इन्वेस्टमेंट के बेस पर आप उसी चीज के और प्रोडक्ट्स यहां पर बनाएंगे मार्केट में सेल

तो एक ओ एन डी सी हाल ही में काफी ज्यादा चर्चा में है दैट इज द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स सो ये ओ एनडीसी जो है यहां पर आपका नबार्ड के साथ इसका टाइप किया गया है और नबार्ड के साथ टाइप करके जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है इस पर क्या किया जाएगा एक ऐसा नेटवर्क है जिस तरह का अमेजोन या फ्लिपकार्ट काम करते हैं उसी तरह से ये एक ONDC एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसपे यहां पर इंडिया की कंपनी जाकर अपना एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डिजाइन कर सकती है और उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक तो कोई भी सामान को सेल किया जा सकता है अब आपको यहां पर अमेजोन फ्लिपकार्ट ज्यादा आपका डिपेंड रहने के जरूरत नहीं पड़ेगी आपका खुद का पोर्टल यहां पर इंडिया में डिजाइन किया गया है ये एक फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है और इस ओ का हाल ही में टाइप उन्होंने नबार्ड के साथ किया जिसके तहत यहां पर जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी है उसको इस प्लेटफॉर्म पर बेचने की बात की जा रही है तो उसी से संबंधित यहां पर ओ एनडीसी संबंधित एक हैकथ यहां तो पर तीन दिन का

कॉमर्स e सो so, दोनों के दोनों दो हैं दो पार्ट्स हैं दोनों के दोनों का मेन मकसद वही है एग्रीकल्चर को यहां पर ई कॉमर्स पे उतारना प्रोडक्ट्स आपके वहां पर सेल किए जा सके ताकि ये नया क्रिएटेड ओ एनडीसी नबार्ड ग्रैंड पर स्टार्टअप्स को एक उम्मीद देगा ताकि वो यहां पर एग्री सेक्टर से यहां पर जुड़ सके उनके सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करा सके नई इनोवेशन को मार्केट में लॉन्च कर सके एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन ओ एनडीसी नबार्ड या ओ एनडीसी का किसके साथ टाई अप है नबार्ड के साथ नबार्ड का किसके अप है ओ एनडीसी बेसिकली वर्क क्या है कि जो एग्रीकल्चर है उसको यहां

इंडिया uh, का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यहां पर आया है और यह आया है रामागुंदम तेलंगाना में इंडिया का लार्जेस्ट हंड्रेड मेगावर्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये आ चुका है आपका ऑपरेशनल है एन के द्वारा रामागुंदम तेलंगाना और मुझे पूरा का पूरा उम्मीद है कि इस न्यूज को पढ़ने के बाद अब आपने हाथ जोड़ दिए हो भाई प्रभु बस करो कितने फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट या फिर कितने सोलर प्लांट आप यहां पर इनाइग्रेट करेंगे और किसको आप लार्जेस्ट बनाएंगे क्योंकि आए ना आए दिन हर एक तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई एक प्लांट आ जाता है और वो ये क्लेम करता है मैं लार्जेस्ट हूं, मैं लार्जेस्ट हूँ और फिर अगले दिन आता है कि मैं लार्जेस्ट हूं तो आखिरकार है कौन लार्जेस्ट यही आज तक समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं उसका हल मेरे पास मिल जाएगा आपको टेंशन ना लो कुछ दिन में उसका हल कर दूंगा एक फाइनल लिस्ट ही बना दूंगा कि भाई ये है अब वो फाइनल एक्चुअली क्या पिछली बार मैंने लिस्ट बनाई हुई थी आपको याद होगा लास्ट मंथ शायद मैंने एक लिस्ट दी हुई थी कि जितनी सोलर पावर से जुड़ी जितनी न्यूजें मैंने एक साथ दे दी थी लेकिन उसमें भी काफी कन्फ्यूजन था उसमें भी हर एक जगह ये लिखा था मैं वर्ल्ड लार्जेस्ट हूँ मैं इंडिया का लार्जेस्ट हूँ मैं ये हूँ मैं वो हूँ ठीक है तो मैं जो भी लिस्ट बनाऊंगा फिर वो दो दिन बाद फिर से अपडेट हो जाएगी वर्ल्ड लार्जेस्ट तो इस के वो लिस्ट बनाई नहीं मैंने उसके बाद क्योंकि वो खुद काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग में थी तो फिलहाल तो यही है कि जो आती रहे उसको लार्जेस्ट मानते रहो और उसके अकॉर्डिंग करते रहो अगला करते रहो पिछला भूलते रहो राइट तो यहां पर आपका इंडिया का लार्जेस्ट 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यहां पर मेड फुल्ली ऑपरेशन बेसिकली आपको इस न्यूज में वैसे चलो मैं हंस रहा हूँ मजाक कर रहा हूं लेकिन ये जो न्यूज है ये ऑलरेडी आ चुकी है ठीक है ऐसा नहीं है कि न्यूज पहली बार आई है ये न्यूज ऑलरेडी आ चुकी है तब एक्चुअली वो स्टार्ट हुआ था बनना अब ये ऑपरेशनल हो चुका है तो ये न्यूज दूसरी बार आ रही है आपके एग्जाम में अब लास्ट कब आई मुझे याद नहीं है लेकिन ये न्यूज ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं जिसमें यही आया था इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट रामागुंदम तेलंगाना में आएगा लेकिन तब आ था आएगा तब फ्यूचर टेंस था अब यह है कि आ चुका है अब यह प्रेजेंट टेंस कन्वर्ट हो गया सो वाज मेड फुल्ली ऑपरेशनल बाय एट बायसीम तेलंगाना में यह प्रोजेक्ट पांच एकड़ में फैला है आपका चालीस ब्लॉक्स रेक ब्लॉक में ढाई मेगावोट यहां पर आपका पावर जनरेट होगी वन फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म रहेगा ग्यारह हजार दो सोलर मॉड्यूल्स रहेंगे और ये एंटायर फ्लोटिंग सिस्टम इज थ्रू दी स्पेशल हाई मॉड्यूलस पोलिथिल रोप टू डेड वेट प्लेस इन दैलेंसिंग रिजर्वियर बेड बहुत हैवी टर्म्स लिखे हुए हैं वो तो समझा पाएगा है ना बाकी मेरे तो पल्ले पढ़ नहीं रहा बाकी आपके समझ में आ रहा हो तो बहुत बढ़िया बात है नहीं आ रहा तो मेरे जैसे छोड़ दो इसको दिस प्रोजेक्ट इज यूनिक इन द सेंस डेट जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है इवन इन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर एच डी पैनल सुपरवाइजरी कंट्रोल डाटा एक्जिशन ये सारे के सारे यहां पर आपका फ्लोटिंग रहेंगे पानी में ही रहेंगे तो ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पानी पर बनाया गया है फ्लोटिंग है ये ये आपका सोलर पावर प्लांट और लगाया गया है रामगुंदम तेलंगाना में कितनी कैपेसिटी है इसकी ये आपसे पूछा जा सकता है 100 मेगावाट की कैपेसिटी है इसकी पहला क्वेश्चन लोकेशन कहां पर है दूसरा क्वेश्चन यहां पर और यहां पर यह भी एक चीज पूछी जा सकती है कि कितने ब्लॉक्स है चालीस ब्लॉक्स हैं और ऑब्वियस है एक ब्लॉक में मेगावाट तो सो हो गया ढाई इंटू चार दैट इज दी सो मेगावाट यहां पर हो जाएगा एंड चालीस ढाई इंटू चालीस सो हो जाएगा और बाकी चीजें तो जस्ट उसके फीचर्स फीचर इसमें कुछ क्वेश्चन ज्यादा आएगा नहीं अगली न्यूज में चलते हैं इसरो ने हाल ही में सक्सेसफुली लॉन्च किया है पीएसएलवी सी रॉकेट को सो so, इसरो के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च किया गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फिफ्टी सी फिफ्टी को जिसमें तीन सिंगापुर की सैटेलाइट्स को लेकर गिराया गया है डीएसईओ न्यू एस ए आर एंड द स्कूब वन इन टू एन इंटीग्रेटेड ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड और पांच सौ सत्तर किलोमीटर किलोमीटर की यात्रा करके पांच सौ सत्तर किलोमीटर ऊंचाई पर यहां पर आपका प्लेस किया गया है पी एस एल वी सी फिफ्टी थ्री के द्वारा यहाँ पर तीन सिंगापुर की सेटेलाइट को ये यहां पर सेकेंड डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का सेकेंड कमर्शियल डेडिकेटेड मिशन का मतलब क्या हुआ कि यहां पर ऑलरेडी क्या होता है जो भी हमारे इंडिया से या जो भी इंडिया के द्वारा विदेश की सैटेलाइट्स भेजी आती हैं वो एक बार सैटेलाइट्स भेजी गई इसरो ने उन सैटेलाइट्स को बनाया और उनको भेज दिया उसके बाद क्या करते तो उसके बाद इन जो भी सैटेलाइट्स भेजी है उसके बारे में यहां पर सभी के सभी मार्केट में उसकी बात फैला देते थे कि भाई इसरो के द्वारा ये सैटेलाइट भेजी गई है अगर किसी को इस सैटेलाइट से ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये इस टाइप की सैटेलाइट है ये इस टाइप की सैटेलाइट है अगर आपको किसी भी तरह से इस सैटेलाइट को यूज करना है अपने काम के लिए तो आप यूज कीजिए हमें पैसा दीजिए हमें फंडिंग दीजिए हमें ये दीजिए किराया दीजिए वट जो भी चीज

एक शुरुआत की गई थी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा एक नए प्रोग्राम की जिसको नाम दिया गया था सैटेलाइट लॉन्च हो रही है, आपको उसी वक्त पता होता है कि आप किस परपज से लॉन्च कर रहे हैं हाल ही में टाटा प्ले जो एक कंपनी है उसके द्वारा यहां पर सैटेलाइट एक लॉन्च की गई इसरो की अभी जून के लास्ट वीक की ही न्यूज थी जिसमें आपने पढ़ा भी होगा टाटा प्ले की सैटेलाइट को यहां पर ऑलरेडी असाइन कर दिया था कि वह कि यह सैटेलाइट जा रही है और यह टाटा प्ले के लिए काम करेगी। तो ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि कमर्शियल आम है इसरो की मतलब इसरो के लिए वो कमर्शियल बिजनेस का काम करती है कमर्शियल बिजनेस लेकर आती है लोगों से लाइक द सैटेलाइट है तो भाई रेंट देगा कौन देगा रेंट कितना देगा ये सब चीजें अच्छा सैटेलाइट आपको भेजनी है इस इस कंट्री को भेजनी है तो सारी नेगोशिएशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड करती है तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने अब उसी तर्ज पर दूसरी एक एग्रीमेंट किया है और इसके तहत उन्होंने एक और सैटेलाइट यहां पर भेज दी है और ये सैटेलाइट भेजी गई है इस बार सिंगापुर

लॉन्च किया था जी सेट ट्वेंटी फोर को जो कि पहला डेडिकेटेड मिशन था डिमांड ड्रीवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी जो कि एरिने फाइव रॉकेट फ्रेंच ग्वैना से भेजी गई थी टाटा प्ले के लिए तो ये यहां पर दूसरी भेजी गई है सिंगापुर के लिए एग्जाम पढ़ने से क्वेश्चन कौन से कंट्री के लिए भेजी गई है ये भेजी गई है तीनों सैटेलाइट के नाम आपको पता होने चाहिए ठीक है सेकंड डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन कौन सा है ये पूछ सकता है तो उसका आंसर ऊपर वाले पैराग्राफ में आ जाएगा कहां से लॉन्च किया गया है ये पूछा जा सकता है इससे पहले कौन सा था इससे पहले वाला जून की लास्ट वीक में न्यूज हमने पढ़ी थी उसमें आया था इसकी डिटेल चीज वहां पर मिल जाएगी आपको

तकरीबन वन पॉइंट टू एट परसेंट हिस्सा जो है भारतीय एयरटेल लिमिटेड का वो गूगल इंटरनेशनल एल एल सी यहां पर परचेज कर शायद मैंने अभी न्यूज़ में उल्टा बोल दिया था शायद अभी मैंने जो पिछली लाइन में बोला था Uh, मैंने शायद ऐसा बोला भारती ने गूगल को कर लिया तो वो भारती को गूगल ने किया और भारती में 1.28 परसेंट गूगल के द्वारा यहां पर लिया गया है क्वायर किया गया है गूगल इंटरनेशनल जो बेसिकली वो एक होली ओन सब्सिडरी कंपनी है आपकी गूगल एलएलसी की विच इज अ डेला वेयर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एंड होली ओन सब्सिडी ऑफ अल्फाबैट अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन जो पूरी ओवरऑल कंपनी है उसके अंडर गूगल काम करता है और उसके अंडर गूगल इंटरनेशनल एल काम करता है और इसने 1.28 परसेंट भारतीय एयरटेल में खरीदा है जस्ट ये है, आपका 1.28 स्टेक किसने किसके अंदर खरीदा ये आपसे पूछा जा सकता है ठीक है नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग स्टूडेंट्स कहां पर जाकर बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं लाइक like वहां पर एजुकेशन जो है एफोर्डेबल है क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं और जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा जो रिव्यूज दिए गए वो बहुत अच्छे हैं इन सभी को बेसिस मानते हुए पूरी दुनिया में कुछ शहरों को यहाँ पर रेटिंग दी गई है कि वहां पर आप जाकर पढ़ाई करें तो आपको बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पर आपका सही तरीके से आपकी पढ़ाई होगी और आपको जो एजुकेशन का लेवल है वो भी अच्छा रहेगा आपको रहने की जगह खाने की जगह और आपको जो अफोर्डेबिलिटी है वो सब आपको सही तरीके से मिलेगी इसी बेस पर क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2022 हजार बाईस यहां पर निकाला गया है कुछ क्रिली सीमेंट्स के द्वारा क्यूएस कुछ क्रिली सीमेंट्स का पूरा नाम है यहां के लिखा हुआ है ये इसने यहां पर आपका टॉप में लंदन को दिया है फिर म्यूनिच सियोल ज्यूरिज एंड मेलबोर्न ये तो टॉप पांच है जिनको इस रैंकिंग में शामिल किया गया है इंडिया के सिटीज इसमें जो शामिल है वो है मुंबई जो कि एक रैंक पर है उसके बाद यहां पर बेंगलुरु 10114 चेन्नई 125 और न्यू दिल्ली 129 रैंक पर है और ये यहां पर इस पर ये रैंकिंग आपकी निकाली गई है तो ये है आपका क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग ये तो याद करना ही करना है इसके अलावा इंडिया की में आपको याद होनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट आपका अशोक सोटा हैज सोटाजर्म विदालिटी रत्न अवार्ड दो हजार इक्कीस सो सी आई आई क्वालिटी रत्ना अवार्ड 2021 यहां पर दिया गया है अशोक सोता जो कि फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है एनुअल सी आई आई क्वालिटी रत्ना अवार्ड कॉन्स्टिट्यूटेड इन ईयर 2019 ये यह यहां पर दिया जाता है फॉर द आउटस्टैंडिंग लीडरशिप कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने की है अपनी जिंदगी में टू द क्वालिटी मूवमेंट इन इंडिया टेक फॉर्म ओके सो ये कहा गया है आपका ठीक है सो क्वालिटी मूवमेंट यानी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए यह चीज आपकी की जाती है किसी के द्वारा कोई कंट्रीब्यूशन दिया गया है उसके लिए यहां पर एनुअल लेवल पे एक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सी का पूरा नाम है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा यह अवार्ड क्वालिटी रितना अवार्ड दिया जाता है और इस बार अशोक सोता को यह अवार्ड दिया गया है और यह है आपके फाउंडर एंड सीईओ ऑफ दी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के सीआई अवार्ड कमेटी ने टू 2021 अवार्ड ये सोता जी को देने का उन्होंने फैसला किया जो उन्होंने क्वालिटी के इनिशिएटिव्स अपनी इंडस्ट्री हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पर क्वालिटी प्रोवाइड की है उसके लिए यहाँ पर ये इनको दिया गया है ये अवार्ड सो डायरेक्ट एग्जाम में नाम ही पूछेंगे क्या नाम है अवॉर्डी का दैट इज अशोक सोता अगली न्यूज है फैन कोड ने अपॉइंट किया है आपका अच्छा वाह रवि शास्त्री को यहाँ पर एज दी ब्रांड एम्बेसडर सो so, मैं हंसा क्यों इनको नाम सुन के काफ़ी लोग मेरे भाई लोग समझ गए होंगे है ना मैं क्यों इनका नाम सुन के हंसा हूँ फॉरवर इंडियन टीम कोच और क्रिकेटर रवि शास्त्री इनको अपॉइंट किया जा चुका है नया ब्रांड एम्बेसडर फॉर दी फैन कोड नाम की कंपनी फैन कोड यहां पर एक स्पोर्ट्स स्टेटिक लाइव कंटेंट देती है बताती है क्या स्कोर वगैरह है है ना उस तरह की चीजें और बहुत सारे मर्चेंडाइज वगैरह सेल करती है ये सब चीजें यहाँ पर फैन कोड करती है और इंडिया जो है हाल ही में यहाँ पर जा रही है वेस्ट इंडीज पे टूर पे और इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पर एक नया सिस्टम शुरू कर रही है इंग्लैंड और, और वेल्स की जो मेजर सिटीज यहाँ पर इवेंट होगा और उसमें कोड के ब्रांड एम्बेडर बनेंगे रवि शास्त्री ठीक है ओके सो ये यहाँ पर आपका फैन कोड ने अपॉइंट किया रवि शास्त्री को उनका ब्रांड एम्बेस्डर अगला है पोकरबाजी डॉट कॉम ने अपॉइंट किया शाहिद कपूर को ओके okay, बहुत सारी लड़कियों के क्रश पोकरबाजी डॉट कॉम इंडिया पोकर प्लेटफॉर्म ने अपॉइंट किया बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर को उनका ब्रांड एम्बेस्डर पोकरबाजी एम्स टू क्रिएट अ रोबस्ट इकोसिस्टम फॉर पोकर इन इंडिया एंड शाहिद कपूर एसोसिएशन वे ब्रांड कम इन लाइन विद्स कमिटमेंट टू पॉपुलराइज इट सो पोकरबाजी डॉट कॉम इंडिया का पोकर प्लेटफॉर्म शाहिद कपूर को अपॉइंट किया है एज दी ब्रांड एम्बेस्डर ओके लड़कियों की पसंद शाहिद कपूर और लड़कों की पसंद मीरा कपूर अब यह मत पूछना मीरा कपूर कौन है सो यूनाइटेड स्टेट्स मेड हिस्ट्री एज द केतन जी ब्राउन जैक्सन सोन इन एज द फर्स्ट ब्लैक वूमेन टू सर्व ऑन दी सुप्रीम कोर्ट शायद ये को, ये न्यूज मैंने कल की आपकी हिंदू की जो क्विज दी थी ना आपको uh, है ना उसमें मैंने आपको दे दी थी। टू so, सर्व करने वाली पहली ब्लैक महिला यहां पर आपकी बनी है United States के हिस्ट्री में। और यहाँ पर इस बार एक हिस्ट्री और बनाई गई है यहाँ पर क्रिएट की गई यूएसए के कोर्ट में और वो है फोर ऑफ द जस्टिस ऑन दी नाइन मेंबर कोर्ट नो मेंबर रहते हैं इसके कोर्ट में जिसमें चार जो है चार जस्टिस जो है वो महिलाएं हैं ठीक है थीका? और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने नंबर्स में यहां पर महिलाएं यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट में सर्व कर रही हैं 51 ईयर की ओल्ड ओल्ड है ये डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट जो बिडन ने यहां पर आ, कहा है व्हाइट मैन आर नॉट इन मेजोरिटी ऑन द नेशन हाईएस्ट कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन टू ट्वेंटी सालों में यहां पर यह पहली बार ऐसा कुछ हुआ है यहां पर दो से एज अ जज रह चुके हैं यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वॉशिंगटन डीसी में अब इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है नाम है चितंजी ब्राउन जैक्सन सोने नजदीक फर्स्ट ब्लैक वीमेन ठीक है ओके चलिए आगे चलते हैं पता ही था कौन है अगली न्यूज है नेटो समिट 2022 कंक्लूडेड इन मैड्रिड विद डिसीजंस टू ट्रांसफॉर्म एंड स्ट्रेंथन दी अलायंस तो यहां पर नेटो समिट हाल ही में जो मैड्रिड में चल रही थी उसका कंक्लूजन हो चुका है लीडर्स ने यहां पर क्लाइमेट चेंज को यहां पर नेटो का एक ग्रीन हाउस गैस अमिशन है उसके टारगेट्स को कम किया है कट किया है और कहा है 2050 तक हम नेट जीरो एमिशन का टारगेट अचीव कर लेंगे न्यू नेटो इनोवेशन फंड एक बिलियन यूरोस का एक नया फंड बनाया गया है जिसके तहत टेक्नोलॉजीज यहां पर डिजाइन की जाएंगी ऑस्ट्रेलिया जापान न्यूजीलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो थी वो पहली बार इस नेटो समिट में शामिल हुई थी नेटो समिट वुड बी हेल्ड इन दिलीनस लिथुआनिया नेक्स्ट ईयर यहां पर इस लोकेशन पर होगा तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन यहां पर कहां पर हो रही है मैड्रिड में हो रही थी ठीक है इस बार जो कितने अमाउंट के फंडिंग दी गई है मैं एक बार थोड़ा सा इरेज कर देता हूं इस चीज को पढ़ने में बाद में दिक्कत आई आपको ठीक है ओके okay, सो so कितनी फंडिंग इस बार एक बिलियन यूरो की यहां पर फंडिंग आपकी दी गई है नेटो के द्वारा और विल लिथुआनिया में यहां पर नेक्स्ट ईयर कौन कौन सी पार्टिसिपेट किया है, ये ने इसमें पहली बार मेंबर नहीं है लेकिन यहां हाँ पर शामिल है ठीक है ओके आगे चलते हैं नीरज चोपड़ा ने यहां पर सिल्वर मेडल जीता डायमंड लीग कंपटीशन में हाल ही में नीरज चोपड़ा जी के द्वारा यहां पर अपने खुद के रिकॉर्ड्स ब्रेक किए जा रहे हैं और उसी लाइन में देखते हुए यहां पर एक और इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया डिमांड लीग कंपटीशन जो कि स्टॉक होम में हुआ था ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने पहली बार मेडल जीता आफ्टर ब्रेकिंग हिज ओन नेशनल मार्क ट्वाइस इन मंथ नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर 89.94 यहां पर एक थ्रो फेंका था एंड इसी थ्रो के साथ वो सेकंड स्थान पर है सिल्वर मेडल इनको मिला है यहां पर और गोल्ड मेडल मिला है एंडरसन पीटर्स जिन्होंने यहां पर आपका 90.31 मीटर मीटर्स का थ्रो फेंका था उन्होंने अपने नेशनल रिकॉर्ड को 89.30 मीटर के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा जिसको यहां पर उन्होंने अभी इसी मंथ में एस्टेब्लिश किया था पावो नुर्मी गेम्स जो कि तुर्कु में हुए थे इसके बारे में पहले हमने न्यूज में पढ़ा भी था एंड डायमंड लीग इज एन एनुअल कलेक्शन ऑफ द टॉप 14 इन इन्विटेशनल एथलेटिक्स सो टॉप जो चौदह प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पर इनवाइट किया जाता है इस लीग में और उनको उनके आपस में यहाँ पर स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं तो एग्जांपल जैसे क्वेश्चन कहाँ पर ये इवेंट हुआ था ये पूछ सकते हैं नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का यहाँ पर फेंका ये पूछ सकते हैं किसने गोल्ड मेडल जीता ये पूछ सकते हैं पहले कब रिकॉर्ड तोड़ा था ये पूछ सकते हैं कितने लोगों को यहाँ पर इन्वाइट किया जाता है चौदह लोगों को ये पूछ सकते हैं तो ये यहाँ पर आपका कुछ पाँच से छः क्वेश्चन इसमें मीजू से बनते हैं अलग अलग अगली न्यूज यहां पर आपने ब्रांड का नाम जरूर जिसके चश्मे आते हैं ओके सो उसी के जो ओनर है लियानाडो डेल वेचियो इनका हाल ही में निधन हो गया लियानार्डो डेल वेचियो इटली से बिलोंग करते हैं और ये आपके आर्किटेक्ट माने जाते हैं जो मर्जर हुआ था यहां पर आपका लुक्सोथिका एंड दी फ्रेंच लेंस मेकर एसी लोर में यहां पर उसको भी यहां पर इन्होंने हरी झंडी के होते हुए ये मंजूरी हुई थी ही फाउंडेड इज ओन कंपनी उन्होंने ये कंपनी शुरुआत की थी सप्लाइंग द ऑप्टिकल इंडस्ट्री विद कंपोनेंट्स आफ्टर ही द एडवांटेज ऑफ पार्टनरिंग विद फैशन डिजाइन ब्रांड्स इन्होंने अरमानी के साथ टाई अप किया उसके अलावा बहुत सारे मेजर ब्रांड्स के साथ रे बन परसोल ओखले ये सारे के सारे इन्हीं के द्वारा ब्रांड्स शुरुआत की गई और फोर्ब्स दो की बात करो दो हजार बाईस की वर्ल्ड लिस्ट में इनका यहां पर जो आ, एस्टिमेशन माना जाता है नेटवर्थ का वो 27.3 बिलियन डॉलर माना जाता है ओके एज पर फोर्ब्स लिस्ट के तो के अनुसार तो ये ओनर इनका हाल ही में आपका निधन हो गया है ठीक है अगली न्यूज है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे सेकेंड जुलाई को होता है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को यहां पर अपनी सर्विस जो देते हैं उसको सेलिब्रेशन करने के लिए वर्ल्ड यो डे जो आपको अनवांटेड अन आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यू होती है जो सच भी माना जाता है कई बार झूठ भी माना जाता है लेट्स सी वो हम उस पर डिबेट पे नहीं जाएंगे सो so, वो दो जुलाई को ऑब्जर्व होता है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे तीन जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार ये तेरवा एडिशन यहाँ पर रहा था ठीक है ओके मेरे दोस्तों इस सेशन में इतना ही था इसके तुरंत बाद बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी बैंकिंग अवेयरनेस में हम करंट बैंकिंग न्यूज करेंगे और आज काफी अच्छी अच्छी बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज है तो जरूर उस क्लास को अटेंड करना एट द रेट के कार्ट टेलीग्राम चैनल सर्च करके ये सर्च कर लेना सर्च बार में उसको ज्वाइन कर लेना और कल आपके लिए स्टडी नहीं थी यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही बेहतर वीडियो अपलोड की है स्मृति मैम ने जिसमें आपको टेन पॉइंटर स्ट्रैटेजी बताई गई है वो टेन पॉइंटर स्ट्रेटेजी आपका एक निचोड़ निकाल देती है आपकी तैयारी को और बढ़िया करने का तो उस टेन पॉइंटर की वीडियो को जरूर देख लेना काफी ज्यादा है, है, है क्योंकि वो लोग बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं आपके प्रिपरेशन के दौरान ताकि उस वीडियो के थ्रू आपको वो चीज समझ में आए छोटी सी वीडियो पंद्रह मिनट की वीडियो टू एक्स पर सुन लेना लेकिन सुनना जरूर ठीक है और खुफिया क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं आपके इसमें रीसेंट न्यूज लास्ट में लगाता हूं आजकल मैं ठीक है आपको मैंने पहले बता दिया था रीसेंट न्यूज जितनी भी रिलेटेड है इसरो से रिलेटेड आ गई सी सी एस से रिलेटेड आ गई तो ये सारी की सारी यहां पर लास्ट में लगी हुई है आपको एक साथ आपको रिविजन करने में दिक्कत नहीं आएगी कुछ खुफिया क्वेश्चंस भी मैंने दिए आज काफ़ी सारे खुफिया क्वेश्चंस हैं कम से कम छः सात या आठ नौ होंगे काफ़ी अच्छे काफी अच्छे क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है इनको अपने लेवल पे पढ़ लीजिएगा याद कर लीजिएगा ओके एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में बैंकिंग ऑनर्स की क्लास में आ जाना तुरंत इसी क्लास के अभी जस्ट स्टार्ट मैं कर ही रहा हूँ विद इन वन टू मिनट्स में ये एंड करूँगा और कर दूंगा सेशन पसंद आए लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना सेशन कैसा लगा और रात के दस बजे के MC क्लास में देखना ना बोलिए साढ़े ग्यारह बजे आपकी वही एडिटोरियल की क्लास जो कि होगी साढ़े बजे उसमें ज़रूर आइए